हर विटनेस कोर्ट तक आने नहीं दिए, जो बचे फाइव विटनेस उसको जान से मारा गया। इसमें 20 से 50 आदमी को हैंगिंग यानी फांसी की सजा करवाना है। बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं मगर कोर्ट से बड़े, सुप्रीम कोर्ट से बड़े कोई नहीं है। कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? 2012 में सौजन्या एक प्लस टू की 16 से 17 साल की लड़की जैसा स्टेशन यानी अपना धर्मशाला के पास, वहाँ से 2-4 किलोमीटर स्कूल से कॉलेज से एक बस में उतरे शाम में 7 बजे, लापता, आज तक भी लापता, तकरीबन 13 साल 12 साल हो गए। तो इसलिए उसको CBI को हैंड ओवर किए, पुलिस सब इंस्पेक्टर केस डाले थे, केस डाल के क्या हुआ कैसा हुआ, स्कूल की अपनी वो उसकी बच्ची की ओढ़नी से ही उसको बन के उसको नेकड करके बहुत गंदगी से उसको जान से मारा गया। और इसमें जितने विटनेसेस थे उनके भाई से मिला के उनका भी मर्डर हो गया, उनको भी मर्डर करे। सिद्धरामैया जब 2013 में CM बने उन्होंने CBI को इंटरेस्ट करें, और इसमें जो हालात CBI के कोर्ट में जितने आए, जो स्टेट पुलिस से होने का काम, अब उसमें क्या है, भाजपा की सरकार आ गई, देवगौड़ा की सरकार आ गई, तो इसलिए CBI को गया होगा। अब ये तमाम चीज़ों से सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सही करी नहीं हो। अभी वो बच्ची की ज़िंदगी और उसके माँ बाप का हालत बेहालत 12 साल से है, और ये मासूम एक आदमी को अरेस्ट किए गए, सिर्फ एक आदमी था वो। अब ये काम तो कई आदमी किए हैं, किडनैप 5 से 12 आदमी करते हैं, 1-2 गाड़ियों में करते हैं, और उसको बन के उसको टंगा के जान से भी मारा गया। ये एक आदमी से होने का काम नहीं है। इसमें डॉक्टर का रिपोर्ट सही नहीं है, पुलिस का रिपोर्ट, पुलिस का जितना भी चीज़ है एक भी कोर्ट को सबमिट नहीं किया गया। यह हालात में अभी परसों 6-8-10 दिन के पहले CBI कोर्ट से छोड़ा गया, छोड़ दिए CBI कोर्ट से, बरी कर दिए। अभी इसको ना रेप हुआ, ना किडनैप हुआ, ना वो बच्ची मरी, इस अंदाज पे आ गया। तो ये लड़की को प्रजम्पशन रेप किया गया, कई लोग किया, किडनैप किया गया, और बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग किए। तो इसलिए एक आदमी भी, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर भी, उसका जो देना चाहिए था जो सनद सबूत कपड़ा और दूसरा मेडिकल रिपोर्ट और DNA टेस्ट और CCTV कैमरा, जिस जगह से उतरा गया उधर से जिस जगह पे लाश निकाला और पोस्टमार्टम किया और उसको क्रेमेशन के वहाँ तक का फुटप्रिंट देना चाहिए था। वो सब इंस्पेक्टर का नाम को योगेश कुमार है, उसको CBI अरेस्ट नहीं करी। तो इसलिए इसमें CBI के हाथ में कुछ नहीं मिला। तो अभी नई केस अपील में डालना है, वो बच्ची के फैमिली वाले, सौजन्या के फैमिली वाले, उनको प्रोटेक्शन नहीं है, उनको हालात नहीं है, उनकी मजबूरी है। तो इसलिए हमें लोग दक्षिण कन्नड़ा के लोगों को के साथ खड़ के ये बच्ची के फैमिली को सपोर्ट करना है, उसको इंसाफ लेके देना है। ये जो काम किए उसमें जिस जो आदमी इन्वॉल्व थे इन्फ्लुएंशियल, उसके अलावा पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस स्टाफ, डॉक्टर्स और इतने तमाम लोगों को भी फांसी की सजा लेके देना है। CBI भी इन्वॉल्व है, CBI ये तमाम चीज़ नहीं ली, तो CBI का भी सैंक्शन लेके वो करना हो तो स्टेट से, स्टेट गवर्नमेंट से अपील करना है, ये विक्टिम के फैमिली से अपील करना है, हॉनरेबल हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन लेना है। वो डायरेक्शन में इंक्वायरी जब होती है तब रिटायर्ड हॉनेस्ट जजेस के अंडर पे DGP ऑफ पुलिस यानी SP ऑफ पुलिस काम करेंगे और CBI को भी गिरफ्तारी का वारंट लेंगे, पुराने सब इंस्पेक्टर को तुरंत गिरफ्तारी करेंगे, डॉक्टर्स को करेंगे,
री इन्वेस्टिगेशन वहाँ से ही चालू होता है। अभी 12 साल के बाद कुछ बचा नहीं है री इन्वेस्टिगेशन को, तो ये लोग ही देंगे री इन्वेस्टिगेशन का हर रिपोर्ट। उस टाइम का जो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है वो देगा, डॉक्टर देंगे, सीबीआई भी देंगे। तो आज कोर्ट में कुछ सनद नहीं है, कुछ एविडेंस नहीं है, कुछ विटनेस नहीं है। हर विटनेस कोर्ट तक आने नहीं दिए। जो बचत था विटनेस उसको जान से मारा गया, इन्हें मर्डर किया गया। उसके इंक्वायरी में, उसके इन्वेस्टिगेशन में कौन है वो पकड़ा नहीं है। तो उस टाइम पे 5 से 7 अक्यूज होंगे, आज 50 से 60 अक्यूज बन सकते हैं। ऐसा तमाम लेके स्टेट गवर्नमेंट से चलाएंगे तो जो 460 मर्डर किडनैप औरत का उस एरिया में आज तक हो चुका है, जिसकी कोई इंक्वायरी नहीं है, ये तमाम चीज़ों का न्याय मिलेगा। ये एक चीज़ से हमें इसमें 20 से 50 आदमी को हैंगिंग यानी फांसी की सज़ा करवाना है। बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं मगर कोर्ट से बड़े, सुप्रीम कोर्ट से बड़े कोई नहीं है। इंक्वायरी सीबीआई में नहीं, अभी स्टेट पुलिस, स्टेट डीजीपी ऑफ पुलिस और यहाँ पे जो जस्टिस कुन्हा जैसे रिटायर्ड जजेस हैं उनके सुपरविजन में, उनके कमीशन में ये होना चाहिए, ये सरकार करना चाहिए।